बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली के दौरे पर है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने डी पुरंदेश्वरी के दौरों को लेकर कहा कि डी पुरंदेश्वरी प्रदेश में बीजेपी के नेतृत्व पर लगातार असंतोष जाहिर कर रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश की 71 सीटें जीतना बड़ी चुनौती है, सभी सीटें जीतने के लक्ष्य से ही चुनाव में उतरेंगे। इधर राकेश टिकैत से मुलाकात के मसले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि अगर राकेश टिकैत को किसानों के मुद्दे को लेकर मुलाकात करनी है तो हमारे मंत्री उनसे बात कर चुके हैं। उसे ही यदि पुरंदेश्वरी जी की बात को यदि ध्यान रखें तो यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे लगातार वो असंतोष व्यक्त करती रही है और वो अलग अलग बयानों में वो परिलक्षित भी हुआ है कि यहाँ के प्रदेश नेतृत्व पे उनका विश्वास नहीं है और वो विश्वास खो चुके हैं जनता का भी और पार्टी के आला कमान का भी। ये तो एक रिकॉर्ड है, आज तक के छत्तीसगढ़ में कभी किसी दल का 71 विधायक नहीं हुआ, दल बदल के बाद भी नहीं हुआ था। अब तो ये सीधा सीधा आम जनता से चुन के आए हुए हमारे विधायक हैं, वो 71 हैं। वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है 71 सीट जीत पाना, लेकिन वो लक्ष्य तो है। जब हमने एक बार लक्ष्य हासिल कर लिया तो 2023 में भी वो लक्ष्य लेके हम लोग चलेंगे। जी व्यक्तिगत रूप से आए टिकैत जी के, कल हमारे कृषि मंत्री जी के साथ 2 घंटे चर्चा हुई, किसान संगठन के साथ 2 घंटे चर्चा हुई। दिल्ली से आए हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के मेहमान हैं, यदि व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं तो मैं उसको स्वागत करूंगा। लेकिन जहां किसान संगठन की बात है तो हमारे मंत्री जी उससे बात कर चुके हैं।